देहरादून से खबर है। राजधानी में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, मुस्लिम कॉलोनी में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने मौके से लोगों को धरने से हटाया है। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। सरकार को सीए और एनआरसी लागू नहीं करने की चेतावनी दी प्रदर्शनकारियों ने। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई नोकझोंक सरकार को सीए और एनआरसी लागू नहीं करने की चेतावनी प्रदर्शनकारियों ने दी। राजधानी में सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन। पूरे हिंदुस्तान में एक काले कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो किसी से बाहर नहीं, सब जानते हैं। हमारा सिर्फ विरोध यही था कि एनआरसी सीए एनआरसी वापस लिया जाए। उसी के विरोध में हम ये एक महिला प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन कल से और अब तक पुलिस ने जो हमारे साथ किया है, हमारा रात टेंट उखाड़ दिया गया है, पूरी रात मुझे परेशान किया गया है, मुझे धमकी दी गई है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट उनसे लेते हैं। सौरभ, तस्वीर बताइएगा कहाँ पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और नोकझोंक की खबर भी है। राजधानी देहरादून के मुस्लिम कॉलोनी में सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, क्योंकि भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिला और पुरुष थे। वहां पे नोकझोंक भी, जिसके बाद जो है पुलिस ने प्रदर्शन को खदेड़ा वहां से, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है एनआरसी और सीए को लागू ना करे, इसे वापस दिया जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकारें जो है उनकी बातों को सुनने में लगातार जो है अपना विरोध जो है इस सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका कहीं ना कहीं अब पुलिस पर भी बड़ा प्रभाव दिखाई दिया है। यहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए, क्योंकि पहले कोई तयशुदा कार्यक्रम नहीं था, अचानक जो है एक ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर जो है सरकार विरोधी नारेबाजी होती है और इस कानून को वापस ले जाने की बात होती है। हालांकि पुलिस ने यह चेतावनी भी दी, अगर इस तरीके का प्रदर्शन बिना किसी परमिशन के किया गया तो उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पूरी जो ये घटना है इस पर नजर बनाए, क्योंकि एनआरसी और सीए के खिलाफ जो है किसी भी प्रदर्शन की यहाँ पर परमिशन लोगों को नहीं है। जी पंकज, नजर बनाए रखिएगा। सौरभ फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।